गुरुग्राम के बाबा प्रकाशपुरी आश्रम स्थित पंडावला शिव मंदिर, घंटेश्वर, भूतेश्वर मंदिर और माता शीतला परिसर में बने शिव मंदिर में सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। इस शिवरात्रि का को माना जाता है कि ये महाशिवरात्रि है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका न तो आदि था और न अंत, और ये भी बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। आज हमने शुरुआत की प्राण प्रतिष्ठा से, ओमकारेश्वर से नर्मदेश्वर लेके आए थे, जिसकी खासियत है जो अर्धनारेश्वर, नर्मदेश्वर, अर्धनारेश्वर बोलते हैं, जो वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी महत्व दिया गया है उसके शास्त्रों में, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमने कराई है, शुद्धता कराई है विधि विधान से। उसके बाद प्राचीन मंदिर है जो पंचमुखी भगवान शिव हैं, उनकी हमने जल अभिषेक किया है और सबसे मंगल कामना के लिए मनोकामना। मेरा नाम शेखर है। शेखर जी, आज आपने महाशिवरात्रि की शुरुआत जी, आज हमने सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में हमने उठे हैं 4:30 बजे, स्नान करके और शिव जी को जल अर्पण किया है। उसके साथ साथ पंचामृत से भगवान भोले का अभिषेक किया है, जिसमें हमने सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बाबा का अभिषेक किया है और फिर जल से अभिषेक किया है। देखिए जी, हमारे यहाँ पे हरियाणा में क्या है कि भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो हलवे का लगाया जाता है। घर में हम हलवे का भोग तैयार करते हैं और फिर बाबा को भोग लगाते हैं। इस तरह से महत्व रहता है महाशिवरात्रि का हमारे सबके जीवन में, और क्या आपने आज दिन की शुरुआत की? हमने आज अपने दिन की शुरुआत प्राण प्रतिष्ठा से करवाई। हम अर्धनारेश्वर को लेके आए थे नरमदेश्वर से और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई आज, और यह व्रत बड़ा ही फलदायी है अविवाहित कन्याओं के लिए और पुरुषों के लिए। बाबा भोले हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं और हमने बस अपने दिन की शुरुआत इसी तरीके से की। इस तरह का जो प्रसाद है वो अर्पित आपने शिवलिंग को किया? हमने आज शिवलिंग को बेलपत्र किए और शहद और दूध, मक्खन और घी, इन सबसे हमने भगवान की पूजा की है। किस तरह से दिन की शुरुआत हुई महाशिवरात्रि और कितना महत्व है हमारे जीवन महाशिवरात्रि का? आज महाशिवरात्रि का व्रत हमारे यहाँ भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए या फिर स्वयं की कामनाओं की, इच्छा की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करते हैं, इस उसका व्रत करते हैं और रात्रि को, शिवरात्रि को जागरण करते हैं। तो शिवरात्रि का विशेष महत्व रात्रि के जागरण का है कि रात्रि को 4 पहर की पूजा होती है, तो 4 पहर 9 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे विशेष आरती करके फिर इसका पारण करते हैं। जो लोग व्रत करते हैं तो उसको व्रत का को खोलते हैं।